नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं। तो आज हम बात करेंगे वॉलेट सिंड्रोम या पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम या डीप ग्लूटियल सिंड्रोम के बारे में। ये बड़े बड़े शब्दों से आप हैरान मत होइए, बड़ी सिंपल चीज है। तो कई लोग मोटे मोटे पर्सेस अपने बैक पॉकेट में रख के बैठते हैं और घंटों बैठते हैं। इससे जो सायाटिक नर्व होती है, मेन नर्व जो टांग में मसल और सेंसेशन सप्लाई करती है, ये दबती रहती है और उसके ऊपर मसल होता है पायरिफॉर्मिस, जो थिकन और शॉर्ट हो जाता है और वो एक साइक्लिकल प्रोसेस बना देता है। नर्व इन्फ्लेमेशन, मसल थिकनेस, नर्व इन्फ्लेमेशन और सायाटिका टाइप पेन होती है। तो शुरू में जब डॉक्टर के पास जाते हो, काफ़ी लोग समझते हैं कि नस दबी है कमर में। केयरफुल एग्जामिनेशन से पता चलता है कि बैक पेन वगैरह नहीं है, लोकलाइज टेंडरनेस है और सायाटिका टाइप पेन है। तो ये है पायरिफॉर्मिस मसल, जो पेल्विस से निकल के हिप के टिप या ग्रेटर ट्रोकेंटर पे जाके इंसर्ट होती है। तो सायाटिक नर्व इसके नीचे से जाती है, लेकिन कभी कभी एनाटॉमिकल वेरिएशंस होते हैं, जैसे कि नर्व मसल के बीच में से आ जाए, यहाँ आप देख सकते हो, या मसल के ऊपर से आ जाए। तो इन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है इस चीज़ का। तो सिम्टम सायाटिका जैसे ही होते हैं और काफ़ी कंफ्यूजन होता है डायग्नोसिस में। तो अगर तो क्लेरिफाई करना है तो EMG नर्व कंडक्शन टेस्ट कर सकते हैं, बट डेफिनेटिव टेस्ट होता है MRI का। MRI पे दिखता है आपको मसल के अंदर इंक्रीज सिग्नल इंटेंसिटी और थिकनिंग और स्वेलिंग मसल के अंदर। तो इसका कारण सिर्फ पर्स पे बैठना नहीं होता, ये और बड़े कारणों से हो सकता है, जैसे कि आप कोई हार्ड सरफेस पे बैठे हो घंटों, प्लास्टिक चेयर पे, हार्ड वुडन बेंच पे, इससे भी हो सकता है। कई लोग जो ज़्यादा खड़ा होकर काम करते हैं, दे टेंड टू लीन ऑन वन, एक तरफ के हिप पे वजन डाल के खड़े होते हैं क्योंकि थक जाते हैं, तो इनमें भी हो सकता है। रनर्स में होता है, रॉन्ग टेक्निक से वेट लिफ्टिंग किए इससे होता है। तो नाम वॉलेट सिंड्रोम है, लेकिन ये काफ़ी चीज़ों से हो सकता है। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है? पहले तो एक क्लिनिकल टेस्ट हम आपको बता देते हैं, जैसे कि ये वीडियो देखिए। अगर आप पेशेंट को साइड में लिटा के हिप को फ्लेक्स और एडक करते हो तो पेशेंट को पेन होता है क्योंकि वो मसल स्ट्रेच होती है। तो ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी है, मसल को स्ट्रेच आउट करना है, मसल को हीट वगैरह दे सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन, कभी कभार अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंजेक्शन दे सकते हैं स्टेरॉयड और लोकल एनेस्थेटिक का, और रीट्रेन करना चाहिए अपना रनिंग, वेट लिफ्टिंग एक्टिविटीज। हार्ड सर्फेस पर मत बैठिए, पर्स अपने आगे के पॉकेट में रख लीजिए या ब्रीफकेस में रख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बावजूद अगर नहीं ठीक हो तो आजकल बोटॉक्स इंजेक्शन देते हैं, जो कई लोग अपने रिंकल्स क्लियर करने के लिए लेते हैं, जिससे मसल थोड़ी सी वीक हो जाती है। तो वही इंजेक्शन हम हिप में या पायरिफॉर्मिस मसल में अल्ट्रासाउंड गाइडेड दे सकते हैं, तो इससे मसल रिलैक्स हो जाती है और सिम्टम्स काफ़ी देर के लिए ठीक हो जाते हैं। ये कभी कभार रिपीट करना पड़ता है इंजेक्शन। अगर ये सारी चीज़ें करके देख ली और सिम्टम्स नहीं रिलीव हो रहे हैं और आप MRI से कंफर्म कर लेते हो कि मसल में प्रॉब्लम है, तो सर्जरी करके एक्सप्लोर करके नर्व को रिलीज करते हैं। नर्व के आजू बाजू जो मसल है उसको थोड़ा कट कर देते हैं और प्रेशर रिलीव हो जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस है सायाटिका का, जो स्लिप डिस्क के कारण होता है, और ये जानना आपके लिए ज़रूरी था, इसीलिए आज ये एपिसोड हमने बनाया है। आशा है आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब बटन दबाइए और जल्दी दूसरे एपिसोड ला रहे हैं उसका इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।